बेड दो, दवा दो, ऑक्सीजन दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी पर राज्य सरकार एवं भाजपा के सारण सांसद द्वारा फर्जी तथा जबरन मुकदमा की जाने के खिलाफ जन अधिकार युवा परिषद एवं छात्र परिषद का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। अपने मंदिरी आवास के नीचे धरना पर बैठे हुए हैं पार्टी के सभी नेतागण। आज यह राज्यव्यापी हमारी पार्टी के युवा इकाई और छात्र इकाई के द्वारा ज्ञात होगा आपको, ठीक आज से दो दिन पहले हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी ने सारण के अमनौर, सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी के निजी कार्यालय कैंपस, जिसे तथा कथित अस्पताल का उन्होंने नाम रखा, उनके गुनाहों के एम्बुलेंस पर से चादर हटाया था और पूरे देश और दुनिया को बताया था इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में एक एम्बुलेंस 10 किलोमीटर पर जहां 30,000 किराया ले रही है, एम्बुलेंस के अभाव में लोग रिक्शा, साइकिल और मोटरसाइकिल पर परिजन को अस्पताल पहुंचा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में 40 का 40 एम्बुलेंस भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के निजी आवासीय कार्यालय पर पड़ा हुआ है। और उन्होंने जब बताया, बौखलाई भाजपा ने, बौखलाई राज्य सरकार ने, बौखलाए सांसद ने पहले तो यह बयान दिया कि आप आइए पप्पू जी ड्राइवर लेकर के और सारण की जनता की सेवा की। उस चुनौती को हमारे आदरणीय नेता ने स्वीकार किया। स्वीकार करने के उपरांत उन्होंने 40 का 40 ड्राइवर भेजने का उन्होंने उनके उस चुनौती को आग्रह पूर्वक कहा कि मैं भेज रहा हूं, मैं खुद ले जाने के लिए तैयार था, मैं गया भी, लेकिन तब तक राज्य सरकार और वहां का स्थानीय प्रशासन के मिलीभगत से सांसद महोदय ने एम्बुलेंस को हटवा रखा और सबसे अपने कुक्रम और दुष्कर्म को, अपने अपराध को, अपने उस गलती को छुपाने के लिए किसी सिर फिरे से अपने लोगों से एम्बुलेंस को तुरवा करके एक दो मुकदमा फर्जी जबरन कराया गया अमनौर थाने में। हम डरने वाले नहीं हैं, हम जनाधिकार के लोग हैं, हम जनता के प्रति समर्पित और मर मिटने वाले लोग हैं। हम पप्पू यादव जी के आह्वान पर जनता की सेवा के लिए इस कोरोना काल में कुर्बानी और अपनी जान पर खेल करके लगे हुए हैं। हमारे यहाँ आदरणीय सभी नेताओं ने ये संकल्प के साथ लगातार आज 8वें दिन लोगों के घर घर, लोगों के अस्पताल में आज धरना पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल धरना पर इसलिए बैठे हैं कि राजीव प्रताप रूडी कोविड एक्ट के तहत, महामारी एक्ट के तहत उन पर मुकदमा नीतीश कुमार जी कीजिए, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। और एक सेवक को, जिसका सबका सेवक है, नीतीश कुमार जी के भी लोग भी आकर के उनसे मदद मांगते हैं और सेवा ले जाते हैं, सबों का जो सेवा करने वाले व्यक्ति पर आप मुकदमा कराते हैं, नीतीश कुमार जी इस मुकदमे को वापस लीजिए। हम सांकेतिक लॉकडाउन को नियमों का पालन करते हुए आज बैठे हैं अपने कार्यालय के नीचे। हमारे युवा अध्यक्ष राजू दानवीर और तमाम हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, तमाम प्रदेश महासचिव, युवा छात्र साथियों ने आज संकल्प के साथ पूरे बिहार में इस आंदोलन को बढ़ाते हुए और इस वैश्विक संकट में भी हम कोरोना काल के नियमों का पालन करते हुए फर्जी मुकदमे को वापस लेने और दोषी गुनाहगार राजीव प्रताप रूडी पर महामारी एक्ट और कोरोना एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार करने की मांग हेतु हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं और भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, कार्रवाई आपको करना पड़ेगा इस भाजपा के सांसद, आपके अपने दुलारे चहेते सांसद राजीव प्रताप रूडी पर दल से भी आपको बर्खास्त करना चाहिए और नीतीश कुमार जी गिरफ्तार करके इनको जेल बना चाहिए। धन्यवाद। पिछले दिनों जो छपरा जिला के अमनौर में घटना घटी, लगभग 49 एम्बुलेंस छिपा के रखे हुए पूरे देश ने देखा, उसके खिलाफ 24 घंटे लग जाते हैं
पप्पू यादव को किस तरह फंसाया जाए, इसको विचारने में सरकार उनकी है, डीएसपी उनके हैं, एसपी उनके हैं, वो लोग बैठ 24 घंटा बैठ के भूमिका को तैयार करते हैं और उसके बाद खुद से गाड़ी को फोड़ पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज करते हैं। तो हम लोग मांग को बैठे हैं कि उनको मुकदमा वापस लिया जाए और जो रूरी ने 49 मिलियन छुपा के कोविड एक्ट का उल्लंघन किया है उन पर मुकदमा हो, इस मांग को हम लोग बैठे हैं। अब जो घटना घटी है उसको मैनेज करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भगोड़े सुशील कुमार मोदी जी ट्वीट करते हैं कि कुछ लोग जब महामारी फैलता है तो राजनीति करने चले आते हैं, तो आप क्यों नहीं कर लिए, आप भी आ जाते, इस बिहार से आप हैं, बिहार में आके अस्पताल जो आपके पीएमसीएच है एनएमसीएच का मुआयना कर लेते, कोविड वार्ड घूम कर देख लेते, आप घोषणा करते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया, आपके घर के बगल में नेत्र हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, वहाँ जाके देखिए बेड तो सजा दिया गया है, लग रहा है कोई 5 स्टार होटल है, मगर वहाँ एक डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, मात्र 9 मरीज वहाँ हैं और सिर्फ ऑक्सीजन वहाँ मिलता है, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार से मांग करते हैं अविलंब राजीव प्रताप रूढ़ी पर मुकदमा हो, 302 का मुकदमा हो और जो झूठा मुकदमा किया गया है, जिस तरह से लाशों का अंबार पड़ा हुआ है, वैसे स्थिति में एम्बुलेंस की जो किल्लत हो रही थी, एम्बुलेंस द्वारा जबरन 20,000-30,000 किलोमीटर का बसला जा रहा था, उस परिस्थिति में आदरणीय पप्पू यादव जी ने जो खुलासा कराया, जो ये मानवता को हनन करने का जो काम किया है सांसद ने, उस सांसद की पोल खोलने की सिला ये मैंने सबक मिला है कि उन्होंने जबरन आवाज को दबाने के लिए हमारे नेता जनजन के नेता जनजन के सेवक उनको दबाने के लिए जबरन मुकदमा किया गया है, उसके विरोध में पूरे राज्यव्यापी धरना है और हम लोग को आवाज को दबा नहीं सकता है, चाहे आप जो कर लीजिए। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि इस केस को वापस लिया जाए और उस आदमी पर मुकदमा किया जाए, देशद्रोह का मुकदमा किया जाए जिसने इस महामारी में और एम्बुलेंस की किल्लत रहते भर में अपने घर में एम्बुलेंस को छुपा के रखा, वो भी सैकड़ों एम्बुलेंस की संख्या में, ये बहुत ही कम से कम तो अपना छपरा वासियों सारण वासियों के लिए तो काम आते, जो वोट लेकर चले गए एसी रूम में सोने के लिए, ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए।